नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज़। बीजेपी कार्यालय में एक प्रोग्राम रखा गया। आज आपको हम बता दें कि रणधीर वर्मा की स्मृति थी, जिसको लेकर ये प्रोग्राम रखा गया। इसमें तमाम जो विकलांग बच्चे थे वो शामिल हुए। खेल को लेकर जीवेश मिश्रा ने कहा कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको बीजेपी की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी बहुत चीज़ जो विकलांग बच्चे खेलने में समर्थ है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, पहले वो सुने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के सभी वर्ग के बीच अपने काम को करती है निस्वार्थ भाव से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़े, और उनके केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं दिव्यांगजन हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के क्रीड़ा प्रकोष्ठ के साथियों का एक विलक्षण कार्य आज हुआ कि दिव्यांग खिलाड़ी जितने हैं उनको बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम आज अमर शहीद रणधीर वर्मा जी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित करने का काम इन लोगों ने किया है। इसके लिए मैं इन सभी साथियों को साधुवाद देता हूँ। ये एक बड़ा कार्य आज दिव्यांग खिलाड़ी जनों को सम्मानित करने का काम क्रीड़ा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो आपने सुन लिया, बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा थे, उनका क्या कुछ कहना था। विकलांगों को लेकर ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जो विकलांग खिलाड़ी हैं वो मौजूद थे। तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया मंत्री जीवेश मिश्रा और रामसूरत राय के तरफ से। केयूटी के विधायक भी थे बीजेपी के। क्या कुछ कहना था जीवेश मिश्रा का, आपने सुना है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो विकलांग बच्चे हैं वो आए हुए हैं इस प्रोग्राम में, और उन लोगों को सम्मानित किया गया है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।